हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं कॉर्नी वैकेंसी के बारे में जो कि आई है भोपाल के तरफ से। जी हां फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है भोपाल अप्रेंटिस निकाली गई है। WCR रिक्वायरमेंट 2019 भर्ती ये निकाली गई है फ्रेंड। WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से भर्ती निकाली गई है अप्रेंटिस पदों के लिए। तो ये बिल्कुल ही नई भर्ती है जिसमें 200 सीट खाली है फ्रेंड। तो 200 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर यह भर्ती निकाली गई है जो कि बिल्कुल ही सीधी भर्ती है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट है जैसे कि फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, कोपा है और सेक्रेटरियल असिस्टेंट पदों पर यह भर्ती निकाली गई है फ्रेंड। तो ये बिल्कुल ही सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी लिखित एग्जाम आपसे नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा, कोई भी मौखिक इसमें नहीं होगा। तो ITI अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है ये फ्रेंड, बिल्कुल ही नया है। तो बात कर ले इसके लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी जो बताई जा रही है वो है 27 जनवरी 2019। जी हाँ फ्रेंड, इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2019 है इसकी लास्ट डेट। आपको अप्लाई करने के लिए इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, तो 27 जनवरी के पहले पहले इस फॉर्म को भर ले दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें। तो ये पूरे 200 ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती है फ्रेंड। तो चलिए अब जान लेते हैं वैकेंसी डिटेल और क्वालिफिकेशन के बारे में जो कि भोपाल अप्रेंटिस में है, देख लेते हैं। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत जो वैकेंसी सूची है फ्रेंड वो इस प्रकार है कि फीटर में आपको कुल 70 सीटें यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि 35 सीटें जनरल वालों के लिए है, जबकि OBC के लिए 19 सीटें हैं, जबकि ST SC के लिए 11 और 5 सीटें यहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए फ्रेंड वो 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मान्यता बोर्ड से 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा में कम 50% अंक आपके होने जरूरी है, और साथ में ही फीटर में ITI होना सर्टिफिकेट जरूरी है जो कि NCVT और SCVT प्रूव्ड होना चाहिए, और यहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा फ्रेंड। अब वेल्डर ट्रेड की बात कर ले तो वेल्डर ट्रेड में जो कुल सीटें हैं फ्रेंड वो 100 सीटें हैं। तो 100 सीटें वेल्डर ट्रेड में हैं कुल मिलाकर के। इसमें सामान्य यानी कि जनरल के लिए 50 सीटें हैं, जबकि OBC के लिए 27 सीटें हैं और ST SC के लिए 15 और 8 सीटें यहाँ पर दी गई है फ्रेंड। तो इसके लिए भी आपके पास वेल्डर का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में NCVT और SCVT सर्टिफिकेट आपको कोई एक होना चाहिए। इसमें भी 10+2 अंतर्गत आपको 50% अंक होने चाहिए 10th में, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले ट्रेड की, यानी अगला वैकेंसी डिटेल जो है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो इलेक्ट्रीशियन में कुल मिलाकर के 20 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें OBC के लिए है और 5 और 3 सीटें SC SC मिलाकर के दिया गया है फ्रेंड। तो ये भी 1 वर्ष का ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा इसके लिए, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी 10+2 के अंतर्गत आपको 50% अंक होने चाहिए 10वीं में, और साथ में ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT या फिर SCVT प्रूव्ड होना चाहिए। NCVT यानी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं तीसरे ट्रेड की, जो कि तीसरा ट्रेड है कोपा का। कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो इसमें जो कुल सीटें फ्रेंड वो है 5 सीटें। तो 5 सीटें यहाँ पर दिया गया है कुल मिलाकर के, जिसमें 3 सीटें जनरल के लिए है, 1 OBC के लिए है और 1 ST के लिए SC के लिए है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। तो इसके लिए भी जो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो कंप्यूटर ट्रेड यानी कि कोपा में आपको ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और यहाँ ध्यान रहे यहाँ 10वीं पास नहीं, यहाँ पर 12th पास होना आपको जरूरी है। 12th पास प्लस ITI सर्टिफिकेट आपको कोपा में होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसके लिए भी 1 साल की ट्रेनिंग लगेगी, और इसमें सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए भी पद निकाला गया है जो कि है, इसमें कुल मिलाकर 5 पद खाली है फ्रेंड, जिसमें कि 3 पद जनरल के लिए है, जबकि 1 पद OBC के लिए और 1 पद SC के लिए यहाँ पर खाली है। तो यहाँ भी 1 साल का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो ये सेक्रेटरियल असिस्टेंट में भी आपको ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो कि NCVT या SCVT प्रूव्ड होना चाहिए, और यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है फ्रेंड। 12th पास प्लस ITI सर्टिफिकेट इस ट्रेड में होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दें फ्रेंड, सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आपको हिंदी और अंग्रेजी है, हिंदी यानी कि हिंदी में जो सीट है फ्रेंड वो कुल मिलाकर 3 सीटें है, जबकि अंग्रेजी के लिए 2 सीटें यहाँ पर खाली है फ्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं एज की।
बात कर लें यहाँ पर एज की फ्रेंड, तो एज लिमिट जो है यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड वो है 15 से 24 वर्ष। तो 15 से 24 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट है। अगर आप 15 से 24 वर्ष के बीच में आते हैं तो फ्रेंड आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि ये 21/12/2018 को ही फुलफिल होना चाहिए। तो 15 से 24 वर्ष आपका अगर उसके बीच में एज है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल और OBC के लिए ₹170 लग रहे हैं फ्रेंड, और साथ में 18% GST के रूप में अलग से लिया जाएगा फ्रेंड। तो अदर कैटेगरी के लिए बात कर ले तो अदर कैटेगरी के लिए ₹70, चाहे वो SC ST या PH कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ₹70 लग रहे हैं और 18% GST अलग से लग रहा है। तो फीमेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती है फ्रेंड। तो बात कर ले पेमेंट मोड के लिए, तो पेमेंट मोड ऑनलाइन है यहाँ पर, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसकी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं फ्रेंड। और लास्ट डेट जो है पेमेंट करने की वो है 27/1/2019, इसकी लास्ट डेट यानी 27 जनवरी तक आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे शाम के 4 बजे तक। तो फ्रेंड जॉब लोकेशन की बात कर ले तो जॉब लोकेशन यहाँ पे WCR भोपाल यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल मध्य प्रदेश में आपका जॉब लोकेशन होगा सिलेक्शन हो जाने के बाद। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है फ्रेंड वहाँ पे होगा आपको यानी मार्क्स जो आपके होंगे 10th में यानी 10th क्लास में जो आपका मार्क्स होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी 10th क्लास का ही यहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा है, ITI का नहीं यहाँ पे देखा जाएगा। यानी 10th क्लास में आपके जितने मार्क्स होंगे उसी पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात कर ले तो 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दिया जाएगा सिलेक्ट होने के बाद, और स्टिपेंड के रूप में आपको गवर्नमेंट रूल के अनुसार पैसे दिए जाएंगे मंथली। और बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के, तो डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पे आपको 10th का मार्क लिस्ट अपलोड करना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सभी डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है फ्रेंड, और अटेस्टेड होना चाहिए और उसको फिर अपलोड करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अपलोड, फिर NCVT या SCVT सर्टिफिकेट आपको अपलोडेड होना चाहिए जिससे भी आपने किया है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST या OBC आपको जिससे भी आते हैं वो आपको अपलोड करना है। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना, तो ये सबको नहीं करना है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए है उसको ही करना है सिर्फ। फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करना, तो ये भी सबको नहीं करना है, जो डिस्चार्ज मेडिकल से जुड़े हुए उनको ही करना है। और बात कर ले यहाँ पे 12th पास सर्टिफिकेट फॉर कोपा एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट को अपलोड करना होगा। तो 12th पास का सर्टिफिकेट यानी मार्क लिस्ट अपलोड करना है कोपा और SA ट्रेड वालों को यानी सेक्रेटरियल असिस्टेंट वालों को। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड, यहाँ नोट पे मैंने लिख दिया है कि विकलांग कोटे के लिए कुछ पद अलग से आरक्षित किए गए हैं, जिसमें फीटर OH के लिए 1 सीट है जबकि HH के लिए 1 सीट है, वेल्डर OH में 2 सीटें खाली है और HH में 1 सीटें खाली है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात कर ले तो OH में 1 सीटें खाली है। तो फ्रेंड ये विकलांग कोटे की बात है, अगर यहाँ पर कोई नहीं आता, कोई कैंडिडेट नहीं आता तो वे दूसरी कैटेगरी से यहाँ पर भर्ती हो जाएगी फ्रेंड। तो बात कर ले इसे अप्लाई कैसे करना, तो अप्लाई करने का तरीका बेहद ही आसान है दोस्तों। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसे सर्कल कर रहा हूँ, आप इसे देख ले ध्यान से, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है और इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जाकर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको नवीनतम सूचनाओं पर जाकर के क्लिक करना होगा इस आवेदन के लिए फ्रेंड। तो फॉर्म भरते समय एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड कि ईमेल ID, जी हाँ फ्रेंड, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है फॉर्म भरते समय अपना ईमेल ID जरूर एक्टिव रखे और अपने पास रखे, इसका पासवर्ड भी अपने पास रखे और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव रखे ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी नहीं आए। और फॉर्म भर लेने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर ले और फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले ले फ्रेंड, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको अप्रेंटिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वाले वैकेंसी के लिए जा करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे मिलेगा 10 डिजिट का, वहाँ पे आपको क्या करना है वेरीफाई करा लेना है, जो कि आपको वहाँ से 10 डिजिट का कोड दिया जाएगा। अप्रेंटिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके एक कराना है, यहाँ पे MP Online के लिए सूचना आपको मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग में जाने से पहले आपको ये काम कर लेना है फ्रेंड, तभी ये वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आप सेलेक्ट होकर के भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये काम आपको कब करना है, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तब आपको ये काम करना है दोस्तों। अप्रेंटिस के
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपने आप को पंजीकरण करा लेना है और वहाँ से आपको 10 डिजिट का कोड मिलेगा जो कि आपको प्रिंट आउट उसका ले करके और आपको आना है ट्रेनिंग के समय। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो लोग भी अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी चाह रहे थे उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है रेलवे में। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसा ही लाल बटन दिखेगा वीडियो के ठीक नीचे, इसे दबाकर सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो, और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, इससे आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।